खबरों की तफसीलात के जानी पड़ते हैं। सबसे पहले सियासी गहमा गहमी की बात करेंगे। 24 न्यूज सबसे बड़ी खबर सामने ले आया, पीटीआई के 28 एमएनएज ने बगावत कर दी। 17 अरकान ने नून लीग के साथ हाथ मिला लिए, 8 पीपल्स पार्टी और 3 अरकान जेयूआई के साथ चल पड़े। सिंध हाउस इस्लामाबाद में राजा रियाज, बासित सुल्तान राजा, नूर आलम खान मौजूद हैं। इसके अलावा ख्वाजा शिराज, रमेश कुमार, राणा कासिम नून और गफ्फार वट्टू भी हुकूमत से बेजार हैं। मजीद तफसीलात लेते हैं ओवैस कियानी से। ओवैस, बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 एमएनए बगावत कर चुके हैं, क्या तफसीलात है आपके पास, कौन कौन है ये? देखें, 24 न्यूज के पास के इतलात हैं और हमारे जराये में बता रहे हैं कि पीटीआई के 28 जो एमएनए हैं वो इस वक्त अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन का वो साथ देने जा रहे हैं वोटिंग में। इसमें जो 17 अरकान हैं वो इस वक्त नून लीग के साथ हैं, 8 पीपल्स पार्टी के साथ हैं और 3 अरकान जो हैं वो जेआई के साथ हैं। और इसके साथ जो 3 वफाकी गुजरा हैं वो भी सरप्राइज देने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। यकीनी तौर पर जब वोटिंग होगी तो ये सरप्राइज सामने आएगा। सिंध हाउस जो कि मरकज बना हुआ है पूरी पाकिस्तानी जो सियासत का, इसमें जो अरकान जो आज जो टीवी पे भी आए, लेकिन इससे बढ़कर जो अरकान हैं वो इस्लामाबाद के 2 मुख्तलिफ मकामात जो कि महफूज मकामात हैं वहाँ पर उनको रखा गया है। ये तमाम जितने भी जो अरकान हैं इनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेए के इनको फुल जो है इनको प्रोटोकॉल, इनके खाने, इनकी सिक्योरिटी, तमाम तर इंतजाम जो है वोटिंग तक वोटिंग के लिए ले जाने तक जो है इनके सुपुर्द किए गए हैं। तो वो महफूज मकामात हैं जहां पर, और ये भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कुछ अंडरटेकिंग्स भी जो है वो ली गई हैं इन अरकान से। और ये अरकान जो कि हमारी जो इनसे बात हुई है पैसों के हवाले से, तो वो इस चीज़ को जो है मुस्तरद कर रहे हैं कि कोई पैसा जो है वो नहीं चला, लेकिन कुछ यकीन दहानी। ओवैस कियानी हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात बता रहे थे। ओवैस, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई के 28 एमएनए टूट चुके हैं। ज़राए का दावा है कि 17 अरकान नून लीग के साथ, 8 पीपल्स पार्टी के साथ और 3 अरकान जेयूआई के साथ हैं, जबकि पीटीआई के 3 विफाकी वज़रा का सरप्राइज भी तैयार है। मुसलसल बदलती सियासी सूरतेहाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नजम सेठी साहब, और उनसे जानते हैं कि उनकी चिड़िया इस सूरतेहाल पर क्या कहती है। सेठी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या लगता है आपको, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? इमरान खान साहब को क्या मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए या भी कोई ऐसा तुरप का पता उनके पास है जो वो संभाले बैठे हैं? इस वक्त आपके कहने के मुताबिक 200 से ज़्यादा लोग अपोजिशन के साथ हैं, और जैसे ही परवेज इलाही साहब और एमक्यूएम वाले वो अनाउंस करते हैं तो ये 220 और इससे ऊपर चले जाएंगे। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कैलकुलेशन है, अदम एतमाद कामयाब हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की पहले भी ये कोशिश थी, अभी भी ये कोशिश है किसी तरीके से इसको नाकाम बनाया जाए। नाकाम बनाया नहीं जा सकता आइन के मुताबिक, मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि खान साहब इस वक्त आइन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, और ये मामला बिल्कुल हो सकता है कि वो ऐसा कोई कदम उठाएं जो गैर आइनी हो और उसको फिर चैलेंज करना पड़े और वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हो। तो ये अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर तशद्दुद का भी इम्कान है, लड़ाई झगड़े और अदालतों में घूमने का भी इम्कान है, और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, मगर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खान साहब अब सरवाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आवाम पहले ही उनके खिलाफ हुई हुई है, उनकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है, एस्टेब्लिशमेंट उनसे दूर हो चुकी है, और आवाम के जो नुमाइंदे हैं इनके हाँ भी जो थे वो भी इनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। यही आइन इसके लिए, इस किस्म की सिचुएशन के लिए आइन के अंदर सोल्यूशन हैं, और वो सोल्यूशन यही है कि अब खान साहब बेहतर यह है कि खुद रिजाइन करके या नए इलेक्शन कॉल कर लें तो वो बेहतर है, नहीं तो आखिर में इनकी बेइज्जती भी होगी और इनको जूतियों के साथ निकाला भी जाएगा। सेठी साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का एक बहुत अहम बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया है कि वो गवर्नर राज लगा दें सिंध में, उनके इस बयान के हवाले से आप क्या कहते हैं? किया है, पहले शेख साहब कहते थे कि हम तो अगले 5 साल भी राज करेंगे, फिर कहने लगे कि खान साहब जीते या हारे हम जीते ही जीतेंगे, अब कहते हैं कि हम गवर्नर रूल लगा सकते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये गवर्नर रूल लगा तो सकते हैं मगर उसकी अहमियत कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि कानून के मुताबिक जो प्रोविंशियल असेंबली है उसका साथ लेना पड़ेगा, उससे रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है आजकल के हालात में गवर्नर रूल लगाना, और फिर दोनों हाउसेस जो है अलग अलग उनको कॉल करना पड़ेगा अगर इमरजेंसी लगानी है या गवर्नर रूल लगाना, ये
हो नहीं सकता, ये सिर्फ धमकी है। और अगर इस किस्म का कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव आता है तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत के इदारे उसको कबूल नहीं करेंगे और एक किस्म की बगावत हो जाएगी और बहुत ज्यादती होगी आइन के साथ भी और अवाम के साथ भी। अगर इस किस्म की सूरत हो कि गैर आइनी अनाउंसमेंट हो जिसको फिर रेजिस्ट किया जाए और रियासत के इदारों को इन्वॉल्व कर लिया जाए उसकी रेजोल्यूशन के अंदर, ये सियासतदान जो है इनको खुद ही इन चीज़ों को हल करना चाहिए और आइन के मुताबिक करना चाहिए। सर साहब, अभी भी हमने देखा कि वज़रा और इंक्लूडिंग इमरान खान साहब वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसा कोई तुरप का पत्ता उनके पास है जो वो एंड टाइम पर खेल सकते हैं या फिर वो ऐसा हो कि बिल्कुल ही आइन की धज्जियां उड़ा दें एंड मौके पर आकर? देखिए, इस सिचुएशन में तो यही अपने आप को कोशिश यही करेंगे कि कॉन्फिडेंट नजर आए, मगर अगर आप गौर से देखें तो शक्लें गिरी हुई हैं, डेस्परेट हुए हुए हैं, पसीने आए हुए हैं इनको। खान साहब ने मेरी चिड़िया के मुताबिक काबीना को कहा था कि जब कैमरेज आते हैं तस्वीर लेने के लिए कैबिनेट मीटिंग में तो आप सब कॉन्फिडेंट लगें, स्माइल करें, हंसे ताकि ये इंप्रेशन मिले कि हम बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सारी मेक बिलीफ है, ये एक झाका है जैसे, ये जब वो गिर रहे हैं किश्ती डूब रही है तो बहुत बहादुरी का इजहार करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो गैर आइनी होगा वो, और वो तो कुछ भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास है जब तक वो खत्म नहीं हो जाती उनकी हुकूमत तो। मगर मैं ये कहूंगा कि अगर इतनी बड़ी कोई गैर आइनी बात करेंगे तो रियासत के इदारे जिसमें सिर्फ फौज नहीं है और भी इदारे हैं वो इनकी इलीगल ऑर्डर को नहीं मानेंगे और फिर बहुत से उसके खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। ठीक सर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस वक्त जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आ रही है, इस तमाम तर सूरत हाल में खान साहब के पास या पीटीआई के पास आप समझते हैं कि कोई ऑप्शन बाकी बचा है या कोई ऐसा रास्ता है कि जिसे वो अपनाते हुए इस तमाम तर सूरत हाल से स्केप कर सकते हैं? देखिए, पुरअमन रास्ते और आईनी रास्ते तो दो हैं। पहला आईनी रास्ता तो यह है कि वो अगर समझते हैं, अगर उन्हें भी यकीन आ गया है कि तादाद उनके हाथ से निकल गई है, पहले इस्तीफा दे दें, ना तरीके अद्वैतवाद को पेश करें। दूसरा तरीका है कि तहमुल से, बर्दाश्त से असम्बली में जाएं या असम्बली में ना जाएं, तरीके अद्वैतवाद को पेश करें, वोटिंग हो लेने दें और फिर उसका नतीजा आ लेने दें। और फिर तीसरा तरीका, अगर ये दो पुरअमन तरीके नहीं हैं, फिर पुरतशद्दद रास्ते हैं, फिर आप जलसे करें, जुलूस करें, लोगों को रोकें, डंडे चलाएं, कुछ करें, तीसरी ताकत को इनवाइट करें, फिर इस तरह की जो बाकी ऑप्शन है वो इस तरह की ऑप्शन। ठीक सोहेल वड़ाइच साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सेठी साहब, आपसे सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने जिक्र किया कि जो भी इकदाम होगा वो मुमकिन तौर पर गैर आइनी हो सकता है, तो किस तरह से खान साहब जो है वो अगर ये गैर आइनी इकदाम करते हैं तो लगता नहीं है कि तसादुम की जानिब जाएगी मजीद सूरत हाल और मजीद जो है वो खदशात पैदा होंगे, ये तमाम तर मनाजिर जो है हमारे सामने मजीद खराब होकर सामने आएंगे? यही मैंने कहा कि अगर वो गैर आइनी रास्ता इस्तेमाल करते हैं जैसे वड़ाइच साहब ने कहा, फिर तशद्दुद भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, अदालतों में भी घूमेंगे और आखिर में शिकस्त खान साहब की होगी, क्योंकि आइन बहुत क्लियर है, या वो खुद रिजाइन कर दें, उन्हें नजर आ रहा है कि अब उनके साथ उनकी पार्टी नहीं रही, आधी पार्टी भाग रही है, छोड़ रही है और अपोजिशन स्ट्रांग है और आइन का यही तकाजा है कि या वो खुद रिजाइन कर दें या फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को चैलेंज जो आया है उसको सामना करें, और अगर वो हारते हैं तो उसके बाद वो फारग हो जाएं और दूसरा प्राइम मिनिस्टर कोई हाउस सेलेक्ट कर ले, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मैंने जैसे आपसे कहा फिर यही है कि वो कोशिश करेंगे किसी तरीके के साथ तसादम कराने की, इदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान या इदारों के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान, या तो इस किस्म की चीज वो बिल्कुल सोच रहे हैं और सोच भी सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान डेस्परेट हो जाता है और जिस किस्म की धमकियां वो दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो लड़ेंगे और गैर आइनी तरीके के साथ लड़ेंगे। ठीक सोहेल वड़ाइच साहब, एक अहम नुक्ता जिस पर आइनी तौर पर वजाहत जो है वो सामने आनी चाहिए सर, उस बारे में फरमाइएगा कि गवर्नर राज की जो बात की है शेख रशीद साहब ने, क्या अगर सूबाई असम्बली फंक्शनल होती है तो ऐसी सूरत में क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है? देखिए, तरीके अद्वैतवाद के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो इखलाकी तौर पर उतना मजबूत नहीं रहता कि वो बड़े फैसले कर सके। देखिए, वो अब असम्बली नहीं तोड़ सकते,
वो इतने बड़े फैसले नहीं कर सकते जिससे गवर्नर राज लगा दे। इस तरह तो दुनिया में जिस शख्स के खिलाफ तरीके में इत्माद आए वो इधर उधर सब कुछ तोड़ दे, तो ऐसा नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल के वो ये इंतहाई इकदाम अब किया जा सकता है। ये या तो तरीके में इत्माद आने से पहले या जब तरीके इत्माद जो है वो जीत लेंगे या खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद सोचा जा सकता है तो क्या कर। ठीक सरी साहब, मैं यही सवाल सर आपके सामने भी रखना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है हालांकि वहां पर सुबह असेंबली फंक्शनल है और बिल्कुल सही तरीके से जमहूरी तरीके से काम भी हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सिंध में नहीं लगा सकते ये गवर्नर रूल। सिंध की असेंबली की रेजोल्यूशन की जरूरत होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गवर्नर रूल लगाएं। और अगर वो इस किस्म का कोई ऑर्डर प्रेसिडेंसी से होगी और करते भी हैं तो मेरा ख्याल है सिंध की हुकूमत उसको नहीं मानेगी, एक बगावत हो जाएगी, एक इलीगल ऑर्डर के खिलाफ बगावत हो जाएगी और वो हुकूमत टिकी रहेगी और वो कहेगी नहीं मानते। इनफैक्ट ये ऐन मुमकिन है कि अगर वो गवर्नर रूल लगाने की कोशिश करें तो सिंध हुकूमत गवर्नर को जाके अरेस्ट कर ले, इस किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खान साहब अगर इसको इस इश्यू को इतनी दूर तक लेके जाएंगे तो फिर उसके नतायज खान साहब के खिलाफ होंगे। ठीक सुहेल वड़ाज साहब, अभी जिन 28 एमएनएस की बात हो रही है कहा जरा भी ऐसे हैं जो कि सरप्राइज देने को तैयार हैं। सर यहां पर तो इतिहादी भी अभी तक नहीं माने थे, अब अपने भी साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि खान साहब जो है वो आखिरी वक्त में कुछ ऐसा इकदाम कर सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो पलट जाए? गिरती तो पूरी हो चुकी है तरीके अदम-ए-इत्माद। देखिए अपोजिशन ने ये बड़े तरीके से ये किया है, उसने आहिस्ता आहिस्ता पहले परवेज लाई साहब के मुंह से कहलवाया है, फिर ये आज अपने एमएनए शो करती है, तो इससे शो हो गया है कि भाई इनके पास गिनती पूरी है। अब तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है नो कॉन्फिडेंस की, कि आखिरी दिन नो कॉन्फिडेंस हो और उस पर लोग जो है वो हाथ हिलाते बाहर आ जाए, अगर तो आईन और कानून के मुताबिक चले। अगर आईन और कानून से हट के चले फिर तफादम है, फिर लड़ाई है, फिर झगड़ा है, फिर जाहिर है इसका पता नहीं क्या नतीजा निकले। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोहेल वड़ाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तर्जिया का नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और शेख रशीद ने सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का मशवरा दे दिया, कहा इमरान खान से कहा है सिंध में गवर्नर राज लगा दें, अरकान की खरीदो फरोख्त जमहूरियत के खिलाफ है। मैंने आज इमरान खान से यह कहा कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है हमें सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर देना चाहिए, यह जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। सिंध में कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं, ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। सिंध में गवर्नर राज का निफास पागलपन होगा, इसका कोई जवाब नहीं। गवर्नर राज लगाने से वफाकी हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। वजीर इत्तला'आत सिंध सईद गनी का शेख रशीद के बयान पर रद्दअमल, कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत सरपट आ चुकी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी को खराब करार देकर वहां गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। समझता हूँ कि ये एक पागलपन होगा और इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध गवर्नर लगाने का। अगर किसी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, केपी में लगाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को फारग करना चाहिए। सिंध हुकूमत इन तमाम हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, बेहतर काम कर रही है, लेकिन अगर वो अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर घबरा कर सरपटा कर पागलपन में ये करना चाहते हैं तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर है उनकी अगर ख्वाहिश है तो लगा के देख लें, लेकिन हम उन्हें बता देंगे ये काम इतना आसान नहीं है, अब उनका चल चलाव है, आखिरी हुकूमत है उनकी, चंद दिन रह गए हैं और अगर इस मौके पर ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो एक अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ये जो बयान है, ये जो आवाज़ है, ये जो फरमाइश है, ये जो ख्वाहिश है, ये एक शिकस्त खोदा शख्स की हो सकती है। अहम खबर आपको देते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सब वाजह कर दिया। तहरीक अदम एतमाद, फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक आईन की रूह से इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम के इंतखाब तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम का इंतखाब और तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के कवानीन के तहत होता है। एलामिये में कहा गया वजीर आजम के इंतखाब तहरीक अदम एतमाद में स्पीकर कौमी असम्बली बतौर प्रिजाइडिंग अफसर काम करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात बेबुनियाद हैं।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मौना सिलाही लंदन पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक मौना सिलाही लंदन में चंद रोज कयाम के दौरान अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। आपको बता रहे हैं कि काफ लीग के रहनुमा और विफाकी वजीर मौना सिलाही लंदन पहुंच गए हैं। ज़राए का कहना है मौना सिलाही लंदन में चंद रोज कयाम के दौरान अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। हुकूमत से बातचीत बिल्कुल खत्म हो चुकी, हुकूमत हमसे राबते की कोशिश कर रही है लेकिन हम जवाब नहीं दे रहे। जहांगीर तरीन ग्रुप हमारे साथ है, हुकूमत सिंध हाउस पर हमला करा सकती है। राजा रियाज ने 24 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन नसीम जहरा से खसूसी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि वादा वफा ना करने वालों के साथ चलना मुश्किल है। हम इसमें ये हर हरकत करेंगे, ये सिंध हाउस पे भी हमला कर सकते हैं, ये किसी कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आप अगर आपको ये खौफ है मसलन ये आप लोगों की सोच है अगर ये खौफ है तो उसके अजाले के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने उसको कोई हिम्मत जी हम इसमें इसके लिए कोर्ट में भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कल तक हमने पिटीशन जितने हम लोग हैं हमारी तरफ से पिटीशन कल तक दाखिल की जाएगी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें वोट डालने के लिए एक सेफ रास्ता दिया जाए ताकि हम अपने ज़मीर के मुताबिक और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए और पाकिस्तान के गरीबों के मसाइल के हल के लिए अपना वोट डाले। तो कितने यानी कि पीटीआई के लोग जा रहे हैं लेके पिटीशन या कौन जा रहे हैं? पीटीआई के लोग पिटीशन लेके जा रहे हैं जिन्हें डर है कि उनको ये उठाने की कोशिश है। ये तय हो गया या अभी आप सोच रहे? ये तय हो गया है। कौन सी कोर्ट में जा रहे हैं जी? ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद। अच्छा तो उसमें आप हैं और कितने और मेंबरान हैं? बाकी सारे मेंबरान जितने मैंने आपको बताया है कि 24 के करीब लोग हैं। अगर और आज रात को आ गए तो लहता बात है, नहीं तो ये हम सब लोग कल फोर्ट में जा रहे हैं। बुखारी साहब कह रहे थे आपके जो 184 के उन्होंने कहा जी 50 लोग शाम को आप आए तो इधर होंगे, भारत वो तो देखने की बात है। जहांगीर तरीन साहब की क्या सब पोजिशन है जी? वो लंदन में बीमार थे, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए, रिकवरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर वो पाकिस्तान में आएंगे और अपना पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे। तो उनका पूरा जो ग्रुप है वो भी इसी तरफ है आपके साथ? जी वो हमारे साथ है, उनका पूरा ग्रुप जो है उस वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो यानी कि पीटीआई के साथ गुफ्तगू शनीद बिल्कुल ख़त्म है, किसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया है? जी वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उनसे नहीं रब्ता कर रहे। हमारा फाइनल फैसला है कि हमने किसी सूरत भी ऐसे लोग जो वादा पूरा नहीं करते, जिन्होंने मुल्क के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, उनके साथ चलना हमारा मुश्किल है। सरप्राइज पर सरप्राइज, एक और इत्तेहादी जमात हुकूमत को खैर बात कहने को तैयार। एमकेएम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहम पैगाम दे दिया। पैगाम ये दिया कि तहरीक इंसाफ की अपनी सफों में इंतजार है, हम कैसे साथ दें? अगर तहरीक इंसाफ महफूज है तो हम भी साथ हैं। तफसीलात लेते हैं साजिद बलोच से। साजिद बताइएगा कि एमकेएम का क्या मौकिफ है इस पर? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बड़ा धचका लगा है और बड़ी एहतियाती जमात ने राहें जुदा कर ली हैं। हुकूमत की एहतियाती जमात एमक्यूएम ने गवर्नमेंट से अलग का हतमी फैसला कर लिया है, अपोजिशन के साथ मामला भी तय हो गए हैं। एमक्यूएम ने हुकूमत को पैगाम भिजवा दिया है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि आपकी अपनी सफों में इंतजार है, आपको अपने ही मेंबरान छोड़ गए हैं। और जो वजी साजिद आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।